आने वाली होगी ना? हाँ, बड़ी खुश होगी आज तो। कल से कॉलेज जाएगी ना? बच्ची बड़ी हो गई है। देखते हैं आज क्या होता है। अरे क्या होगा, वही होगा, तू जीतेगा, वो हारेगी। भाई लगता है वो आ गई, तू कट ले। हाँ ठीक है ठीक है, मैं वहीं छुपता हूँ। बताइए भाई, आज हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई, बच्ची ने कर दिखाया। कौन भाई अपनी बहन को ऐसी ट्रेनिंग देते? ये जो तेरे दिल से बास्टर्ड निकला था ना, ऐसे बहुत सारे बास्टर्ड्स और पावर्स घूम रहे पूरी दुनिया में, उन सबसे निपटने के लिए जैसी भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो हम देंगे। और हैशटैग मी टू याद है ना तुझे, वो सब नहीं होने देंगे हम तेरे साथ। और अगर हुआ तो तुझे दुर्गा का रूप ले लेना है, तुझे पता है ना अपने नाम का मतलब दुर्गा? पता है भाई, लेकिन ये क्या हो गया आपकी नाक को? नाक ऊंची हो गई बच्ची। और क्या टाइमिंग है ना भाई, कल से बच्ची का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और आज तो फाइनली जीत गई। वाह हमारी बच्ची वाह। जीत गई ना, तो एक गिफ्ट मांगू? अब ये मत बोलना कि हर रोज तुझे कॉलेज छोड़ने जाए, सिर्फ कल जाएंगे, नॉट एनी मोर। नहीं नहीं वो नहीं, मैं बोल रही थी कि तुम लोग मुझे बच्ची बोलना बंद कर सकते हो क्या? वो क्या है ना, मैं कॉलेज गर्ल हो गई हूँ। ओके तन्वी बच्ची। भाई तुम्हारी नाक तो टूट ही चुकी है दद्दा, अब तुम्हारी नाक भी टूटेगी। डोंट यू डेयर कॉल मी बच्ची। तन्वी आज से तू हमें लीड करेगी। हाँ तू आगे आगे और हम पीछे पीछे। ओके जेंटलमैन फॉलो मी। तन्वी वो ट्रेन चलने लगी तो तेरे डब्बे में नहीं चढ़ पाए, तो पीछे वाले डब्बे में चढ़ गए हैं, अगले स्टेशन पे आते हैं। ठीक है ठीक है, जल्दी आना भाई। हो गया
चल चल। हेलो। हाँ भाई, मारा तूने उसे कि नहीं? नहीं, वो खुद मारेगी। अरे भाड़ में गई यार तेरी ट्रेनिंग यार, तू ना मर था एक नंबर का। मैंने तुझे बोला था मैं हाथ तोड़ दूंगा उस हरामजादे का। और कल ऐसा होगा तो क्या करेगा तू? मुझे नहीं पता कल होगा क्या होगा। मैं तू मार उसे, तू हाथ तोड़। हेलो, सुन रहा है ना मेरी बात? हेलो हेलो फक। क्या हुआ बच्ची? कुछ नहीं, नाक कट गई इसकी। और हाँ, मैं बच्ची नहीं, तन्वी हूं। ठीक है ना? क्या क्या उस हरामजादे का? तोड़ दिया बास्टर्ड को। भाई कहाँ है? हाँ, अभी तो यहीं पे थे। तू यहीं रुक, कहीं मत जाना, मैं भाई को लेकर आता हूँ। हाँ। मेरी बहन करे हाँ? अबे क्या कर रहा है तू? फोन पे बड़ा मर्द बन रहा था, हाथ तोड़ दूंगा हाथ तोड़ दूंगा। अब क्या तोड़ रहा है? मुंह जो मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ। अबे समझा ना इसको, मुंह नहीं तोड़ना है, हाथ तोड़ना है, हाथ तोड़ना है। समझा इसको, समझा। हजना, बहुत मजा आया कॉलेज में। मैं इतनी खुश थी कि बिना बात के हंसे जा रही थी। और वो भोपला प्रोफेसर मुझे ऐसे गुस्से में घूर रहा था, बोलता है स्टॉप लाफिंग स्टॉप लाफिंग। आज सीरियसली लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। चल अच्छा है, कल से तू अकेले ट्रेन में जाना। मैं तो चली जाऊंगी भाई, लेकिन आप अपना बताइए तो जरा, आप कहाँ खो गई थी कि संडी दादा को आना पड़ा आपको ट्रेन से नीचे लाने के लिए? तेरे पावर और स्वैग में खो गया था। I felt so proud of you, Tanvi. So proud of you. भाई,
एक बात पूछूं? हाँ पूछना। इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हो, सैंडी दद्दा से भी ज्यादा, मुझे पता है। तो तुम्हारा उस बास्टर्ड को कूटने का मन नहीं किया? मन करता अगर तू कमजोर होती, लेकिन तूने खुद ही कूट दिया उसे। हमें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल भाई, छुआ भी नहीं हमने उसे। तूने अपना दुर्गा रूप दिखा दिया उस महिषासुर को। पता है तन्वी, मैंने देखा है कि फैमिलीज में सेक्सुअल अब्यूज के बारे में कभी कोई बात ही नहीं होती, जैसे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर कैसे बच्चे और यूथ ऐसे सिचुएशंस का सामना कर पाएंगे? हर बार क्या बाप भाई या दोस्त बचाने के लिए आएगा? जब वो नहीं होंगे तब क्या? अगर सही गाइडेंस मिले तो हर लड़की में और हर लड़के में इतनी हिम्मत होती है कि वो मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज सिचुएशंस को अपने दम पर हैंडल कर सके इंडिविजुअली। हाँ जिन केसेस में कलेक्टिवली हमें लड़ने की जरूरत है वहां हम सब लड़ेंगे, लेकिन जब तक इसकी जरूरत ना हो, मेरा मानना है बहुत स्ट्रांगली कि परिंदों को अपने दम पर उड़ने दो, मुस्तैद रहने दो, आजाद रहने दो, फूल नहीं फौलाद बनने दो। कभी देखा है किसी परिंदे ने उड़ने के लिए किसी और से पंख उधार मांगे हो? वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह भाई वाह, क्या स्पीच दी है मम्मी ने। चलो ना वहां पे चलते। अरे चलो, बोला था ना आज से तू हमें लीड करेगी। हाँ तू आगे आगे और हम पीछे पीछे। कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब एक साथ एक बराबर। चलो। अरे वहां चलते। नहीं नहीं वहां चलते, लेकिन उधर आइलैंड ज्यादा अच्छा। अरे वहां 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 Mr. Ashish Lal, मेरी और पापा की स्टोरी इज लाइक आई वाज अराउंड 12 ईयर ओल्ड। हमारा एक गेम बन चुका था। द रूल ऑफ द गेम वाज पापा विल ब्लॉक माय हैंड्स, इस तरह से कभी पीछे घुमा के और या फिर वो पकड़ लेते थे। तो उनका बस गेम का रूल यही हुआ था, हाथ छुड़वाओ एंड पंच मी ऑन द नोज। वेल प्लेइंग ऑल्सो ही यूज टू टेल मी नाउ यू नो होल्ड माई लिटिल फिंगर, इसको बेंड कर दो, पुल माई हेयर या किक ऑन माई स्टमक विद योर नीज। तो माई फादर इज पंजाबी, 6 feet टॉल। इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अ 12 ईयर ओल्ड। सो माई ट्रेनिंग बिगैन, पापा और मैं डेली इस तरह से खेला करते थे एंड ऑन फाइन डे आई एक्चुअली डिड हिट माई फादर ऑन हिज नोज एंड दैट वॉज really bad and he was bleeding profusely and my mother was very shocked, very angry on me and I was feeling really guilty but he was very happy. Unhone mummy ko tab ek baat kahi ki she is just 20 year old, iske haathon mein bahut jaan hai. She managed to escape and hit me on the nose. When somebody hits you on the nose, you know, आपको थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, आप उस थोड़ी देर के लिए कुछ कर नहीं पाते। यस आई फाउंड माय मैन, पापा की बेटी बड़ी हो गई है एंड आई वुड वांट माय हस्बैंड टू टीच माय डॉटर द सेम थिंग व्हिच माय फादर टॉट मी, सो दैट इवन शी लव्स हर फादर द वे आई लव माय आई लव यू पापा, यू आर द बेस्ट. My daddy's strongest.